डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। होप यू आर डूइंग वेल। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी रेड अबाउट द इक्वल राइट टू वोट विच इज गारंटीड बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड अवर टूडेज टॉपिक इज अदर काइंड्स ऑफ equality. Well, dear friends, Kanta is one of the many people who live in democratic India and who have the right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal. As we read in the previous video class, apart from being poor, people in India experience inequality in different ways. Let us see what this means by reading the two stories given below. Each of these is based on real incidents in people's lives and reflects the different kinds of inequalities that exist in India. Dear students, one of the more common forms of inequality in India is the caste system. बच्चो, caste system जो है, जात पात का जो बैर है, मामला है, discrimination है, ये एक कॉमन फॉर्म है इनइक्वालिटी की, कि जात पात की बुनियाद पर, जात पात की बेसिस, कास्ट सिस्टम के बेसिस पे लोगों के साथ जो इनइक्वालिटी का व्यवहार किया जाता है या डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो ये एक आम शक्ल है या कॉमन फॉर्म है इनइक्वालिटी की। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया, your caste identity is something that you probably learned or experienced very young. If you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste, but just look at these matrimonials shown from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians. प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा कि अगर आप रूरल इंडिया में रहते हैं तो आपको बहुत पहले से ही कास्ट सिस्टम के बारे में तजुर्बा होता है या इसका एहसास होता है, और अगर आप अर्बन इंडिया में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, किसी सिटी में, तो वहाँ पे एजुकेशन रेट ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों का एक्सपोजर ज़्यादा है, तो मुमकिन है आपको ये एहसास जवान होने तक भी ना हो कि ये कास्ट सिस्टम के बारे में ज़्यादा सेंसिटिव लोग वहाँ ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं दिखाई देती, लेकिन जब शादी ब्याह का मामला आता है वगैरह, तो इस मौके पर ये कास्ट सिस्टम जो है ये उभर कर आता है और आपको ये पता चलता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट इशू है कास्ट सिस्टम का, जो लोगों के दिलों में और जहनों में और दिमागों में ये रच बस गया है। हालांकि एजुकेटेड लोग भी, एजुकेट हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद भी लोग इस पे जो है बिलीव करते हैं और इसको प्रैक्टिस करते हैं। नाउ लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दलित्स इन द क्लास सिक्स बुक। Dalit is a term that the so-called lower castes use to address themselves. Dalit means broken, and by using this word, lower castes are pointing to how they were and continue to be seriously
discriminated against. Do you get it? दलित चाइल्ड, जो दलित आप देखेंगे यहाँ पे कि एक स्टोरी है ऑफ ये एक्सपीरियंसेस के बारे में है, एक दलित चाइल्ड के बारे में। एक दलित बच्चा है जो स्कूल जाता है और स्कूल में उस के बारे में ये स्टोरी है जो आपने पहले पहली छठी क्लास में भी पढ़ी है। दलित जो टर्म है इसका मतलब है ये जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग हैं वो अब अपने आप को दलित कहते हैं। तो दलित का जो मीनिंग है इसका मतलब है ब्रोकन, और ये टर्म यूज़ की जाती है या ये वर्ड यूज़ किया जाता है लोअर कास्ट के लोगों के ज़रिए, और इससे वो ये समझाना चाहते हैं कि उनके खिलाफ जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी व्यवहार किया जाता है, तो इसलिए वो ये टर्म इस्तेमाल करते हैं दलित यानी ब्रोकन। डियर स्टूडेंट्स, ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 to 2013 इज अ फेमस दलित राइटर। इन हिज बायोग्राफी जूथन ही राइट्स, I had to sit away from the others in the class, and that too on the floor. The mat ran out before reaching the spot I sat on. Sometimes I would have to sit away behind everybody, right near the door. Sometimes they would beat me without any reason. When he was in class 4, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. He writes, the playground was way larger than my small physique could handle, and in cleaning it, my neck began to ache. My face was covered with dust. Dust had gone inside my mouth. The other children in my class were studying and I was sweeping. So sad and heartrending. Headmaster was sitting in his room and watching me. I was not even allowed to get a drink of water. I swept the whole day from the doors and windows of the school rooms. The eyes of the teachers and the boys saw this spectacle. Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, and his only came to an and the playground for the next couple of days, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. He confronted the teachers and then, walking away from the school holding Om Prakash's hand, he said loudly for all of them to hear, "You are a teacher, so I am leaving now. But remember this much, master. He will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after him." So this is the story of Om Prakash, a Dalit child who has written it in his autobiography, Jhoothan. So with this story, you can imagine the situation and the condition in which the Dalits live, or what they had to face, what kind of discrimination they had to face at different stages of life. The second story we will be reading in the next video. Okay, so that's it for today. Thank you very much.